press the bell icon for all the updates. बॉलीवुड सितारों के बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस से छीनी लाइमलाइट। धीरूभाई अंबानी स्कूल के एनुअल डे इवेंट पर शाहरुख के बेटे अब्राम और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या की परफॉर्मेंसेस ने जीता सबका दिल। 19 दिसंबर को मुंबई में हुआ जी सिने अवार्ड्स। प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, शाहिद कपूर और कई सितारों की सजी महफिल। इवेंट से पहले कई सितारों के रिहर्सल वीडियोस वायरल हुए। अगले साल ईद पर होगी एक्स लवर सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की टक्कर। ऐश्वर्या की फनी खान और सलमान की रेस 3 होगी रिलीज एक ही डेट पर। फिल्म मेकर प्रेरणा अरोरा ने किया इस बात को कंफर्म। And it's not intentional, it's just that every two films have to come together. I think now everybody's accepted that happily, two films saath mein aa sakti hai. Priyanka Chopra aur Alia Bhatt ki dikhi yaari, dono ek saath ek shandaar dinner outing par spot hue. नवाजुद्दीन सिद्दीकी देश के एक्टिव राजनीतिक पार्टी शिवसेना सुप्रीम लेट बाला साहेब ठाकरे के किरदार में नजर आएंगे। रिलीज हुआ फर्स्ट लुक। बिग बी अमिताभ बच्चन ने मुंबई में किया फिल्म का टीजर लॉन्च। बाला साहब के बारे में ये फिल्म बनेगी और उनके चरित्र, उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो आप फिल्म में देखेंगे। एक मेरा अनुरोध था आपसे संजय जी कि इस फिल्म को केवल 3 घंटे के मत रखिएगा। बाला साहब का जो व्यक्तित्व है वो 3 घंटे के अंदर सीमित नहीं किया जा सकता। 19 दिसंबर को रानी मुखर्जी की अगली फिल्म हिचकी का ट्रेलर हुआ रिलीज। एक स्ट्रॉन्ग कहानी से दर्शकों को देंगे इम्पोर्टेंट मैसेज। मुंबई में हुआ ट्रेलर लॉन्च। 20 दिसंबर को करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बेटे ने पतौड़ी पैलेस में मनाया अपना पहला बर्थडे। सेलिब्रेशंस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। 20 दिसंबर को अक्षय कुमार और राधिका आप्टे ने शुरुआत की फिल्म पैडमैन के प्रमोशंस। लॉन्च किया पहला गाना आज से तेरी। 21 दिसंबर को नई दिल्ली में हुआ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का ग्रैंड रिसेप्शन। दोनों के रॉयल अवतार ने छीनी लाइमलाइट। रिसेप्शन पर बधाई देने पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 दिसंबर को हुई इस साल की मच अवेटेड फिल्म टाइगर जिंदा है रिलीज। सलमान कटरीना की अमेजिंग केमिस्ट्री, एक्शन और मजेदार स्टोरी सभी को पसंद आई। बॉलीवुड नाउ ने किया पब्लिक रिव्यू।